हेलो स्टैनिंग गाइस, मैं आप सबकी द प्रैक्टिकल आज लेके आई हूँ कैरमल रसगुल्ले की रेसिपी। ये देखने में आपको गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है, लेकिन है ये रसगुल्ले। ये एक बंगाल की बहुत ही फेमस डिश है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर के आसपास दूध लिया है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दूध आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, तभी रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। और एक उबाल आने तक हम उसे गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक उबाल आ चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को लो करूँगी और हमें इस दूध को फाड़ना है, क्योंकि हमें इससे छेना अलग करना है। तो यहाँ पर मैंने फिटकरी का यूज़ किया है दूध फाड़ने के लिए। आप चाहें तो विनेगर या लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर में ही हमारा ये दूध फट जाएगा और इससे पानी और छेना दोनों अलग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा दूध फटना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी अलग हो चुका है दूध से। जब दूध अच्छे तरीके से फट जाए तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे अच्छे तरीके से कपड़े से पानी अलग कर लेंगे और छेना अलग कर लेंगे। तो आप चाहें तो किसी छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी कॉटन का कपड़ा ले लें और उसमें अच्छे तरीके से इसको पानी को छान लें। तो सबसे पहले कपड़े में मैंने ये छेना और पानी डाला है और पानी निकाल लिया है, और फिर उसके बाद हम ठंडे पानी से मैंने इसे थोड़ा सा वॉश कर लिया है और इसमें अच्छे तरीके से पानी निचोड़ते हुए हम पानी अलग करेंगे। और इसी तरीके से हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए टांग के छोड़ देंगे, जिससे पानी, जितना भी पानी होगा, अच्छे तरीके से निकल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर हमारा पानी अच्छे तरीके से निकल चुका है और हमारा छेना बन के रेडी है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत दिखानी होगी और 15 से 16 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यूअसली आटे की तरह गूंदना है। उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से गोल शेप देते हुए मैं लड्डू बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। अब बारी है इसकी चाशनी बनाने की। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है। आप अपने क्वान्टिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूंगी, चीनी को कैरेमलाइज होने तक इसे पकाऊंगी। लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, फ्लेम को हाई ना करें वरना चीनी जल जाएगा। और अच्छे से कैरेमलाइज जब चीनी हो जाए, इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने ज़रूरत के अनुसार डाल लें। तो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें मिलाएँगे और अपने अकॉर्डिंग चाशनी बना के रेडी कर लें। यहाँ पर मेरे पानी सफिशियंट ऐड हो गया है। इसको मैं 1 उबाल आने तक वेट करूंगी। तो जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाए, तब हम इसमें धीरे धीरे करके और एक एक करके अपने रसगुल्लों को डालेंगे। यहाँ पे आपको फ्लेम हाई कर देना है। हाई करने के बाद ही आप डालें, और आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। यहाँ पे मेरे सारे रसगुल्ले अच्छे तरीके से ऐड हो चुके हैं और इसके बाद मैं इसे ढक के 10 से 12 मिनट तक उबलने दूँगी। देखिए, यहाँ पे मेरे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मेरे यहाँ रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। तो बस गैस, इतना ही हमें पकाना था। गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे रसगुल्ले बनके बिल्कुल रेडी हैं। मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ, आप भी इसे ज़रूर इन्जॉय करें। और कैसा बना आपका, मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए कितना फ्लफ़ी है ये, और स्पॉन्जी भी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसा बना आपको, मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए होंगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप चाहें तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली किसी नए डिश के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।